सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े और जनकपुर पहुंचने के बाद जनकपुर के समीप में ही है गंगा जी पर पहुंचे। गंगा पर पहुंचने के बाद स्नान किया और गंगा घाट पर पहुंच करके बैठ करके स्नान के बाद जब बैठे थे राम लक्ष्मण, तो राम जी ने पूछा कि गुरुदेव ये गंगा जी का यहाँ प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आगमन कैसे हुआ। गंगा बड़ी पावन पुनीत है, पवित्र है, हम चाहे यहाँ बैठे हैं लेकिन गंगा 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 बोलेंगे 10,000 कोस पर बैठे हुए व्यक्ति को गंगा गंगा बोलने का फल गंगा स्नान का ही मिलता है। इसलिए आप प्रातःकाल स्नान करते हैं ना, तो वहाँ उस समय गंगा गंगा बोल लिया करो, गंगा गंगा का स्मरण कर लिया करो, गंगा 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 गंगा। और गंगाओं के नाम जानते हो तो गंगाओं के नाम भी बोल सकते हैं, गंगा गायत्री त्रिवेणी भागीरथी अलकनंदा क्षिप्रा कावेरी सरयू गोदावरी। नाम लेने मात्र से ही पापों का शमन होता है, इसलिए प्रेम से और भाव से बोले बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। गंगा स्मरण करने से मन के पाप दूर होते हैं, तन के पाप दूर होते हैं। गंगा की महिमा बताई विश्वामित्र जी ने श्री राम जी के पूछने पर। उसी समय जनक जी को जब पता चला तो जनक जी आए और जनक जी ने जब देखा राम और लक्ष्मण जी को तो देख करके खड़े के खड़े रह गए, क्योंकि राम का स्वरूप मनमोहक है। राम अपना बनाने के लिए अपने भक्त को लालायित रहते हैं और जनक कौन है, जनक हैं भक्त, जनक हैं तपस्वी। जनकपुर में जैसे ही गए ना तो भगवान श्री राम ने जनकपुर को देखा कि वहां जनकपुर में सभी लोग अपने अपने कुटिया में रहते हैं, कुटिया रहने की वो नहीं, कुटिया तपस्या करने वाली थी, जहां तप करते हैं, धोती पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, शिखा सूत्र धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। जनकपुर, जनक राज का एक नाम है विदेह, जिसको अपने देह की शुद्ध ना हो वह विदेह है। इसलिए ध्यान रहे कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर में सब धर्मशील हैं, धर्म करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, ऐसे लोग जहां रहते हैं वहीं राम का प्रवेश होता है। जिस घर में आरती वंदन होता है, जिस घर में राम का चिंतन स्मरण होता है वहीं तो राम आएंगे। विदेहराज की नगरी में, जनक राज की नगरी में सभी धर्मशील हैं, सभी भगवान की उपासना करते हैं, सभी ज्ञानी हैं। इसलिए ज्ञानी जहां होगा वहीं भगवान का दर्शन होगा। जनक ने विश्वामित्र जी से पूछा कि प्रभु ये दोनों बालक का परिचय क्या है, मेरी आंखें मेरी दृष्टि इनकी ओर से हट नहीं रही है, एक पलक इनको निहार रही है, ये कौन है जो मन को आकर्षित कर रहे हैं, जो मेरे मन को अपने वश में कर रहे हैं। नहीं बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा।
ऐसा मन कर रहा है कि इन्हें मैं देखता रहूं, इनकी तरफ देखता रहूं, बड़ा सुख मिल रहा है, बहुत आनंद मुझे आ रहा है। विश्वामित्र जी जनक जी की उस विकलता को देख करके समझ गए। अब राम जी ने सोचा कि कहीं मेरा भेद ना खोल दें गुरु जी। गुरु जी को इशारा कर दिया, गुरु जी बस बताना नहीं, अपने तक ही सीमित रखिएगा। मैं किस लिए आया हूं, मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा भेद नहीं खोलना। तो विश्वामित्र ने बात को पलट करके कहा कि ए प्रिय सबही जहां लग प्राणी मन मुस्काही राम सुन बानी। देखो कि ये कोई और नहीं है, इनका परिचय केवल इतना ही है कि नाथ लखन पुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगट न कहन। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राजा दशरथ जी के अयोध्या के नरेश हैं, उनके पुत्र हैं राम और लखन, ये मेरी यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे और आपकी कुमकुम पत्रिका आ गई तो मैंने सोचा चलो इनको जनकपुर का दर्शन करवा लेता हूँ। जनक जी ने कहा आइए प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई, ऐसे दिव्य ऐसे भव्य दर्शन करके आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र जी को लेकर के और राम लखन को लेकर के विशेष अतिथि गृह में गए, अतिथि गृह में ठहराया गया। बड़ा साज सज्जा है, क्यों, क्योंकि धनुष यज्ञ होगा, बड़ा सुंदर आयोजन होगा, उसमें सबके रहने के लिए अलग 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 स्थान बताए हैं, बनाए गए हैं, लेकिन उससे भी बेहतर, उससे भी कुछ अच्छा अपने गुरुदेव विश्वामित्र के लिए स्थान बनाया जनक जी ने। और वह भी राम लक्षण लक्ष्मण उनके पास में रहे, साथ में गए। विश्वामित्र जी बैठे हैं, राम लक्ष्मण उनके चरणों में बैठे हैं और अपनी कथा सुना रहे हैं। साय के समय लक्ष्मण जी ना कुछ चंचल प्रवृत्ति के हैं ही, आप जानते ही हैं, तो लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं। देखना तो जनकपुर को राम जी चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की आड़ में गुरुदेव से कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। विश्वामित्र जी ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले कि मेरे भाई जो लखन है ये आपसे संकोच में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, बोलिए। कि नाथ लखन पुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगट न कहन, जो राउर आयुष में पावो नगर दिखाए तुरत ले आवो। हे गुरुदेव अगर आपकी इच्छा हो तो इस नगर को देख करके मैं तुरंत ही यहां आपके चरणों में वापस आ जाऊंगा, ऐसी कृपा कीजिए, आप आज्ञा प्रदान करें। विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ राम, जल्दी से नगर वालों को देख करके और अपने आप को दिखा करके आप लौट करके जल्दी आ जाना। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है कि जाए देख आबो नगर सुख निधान दो भाई करम सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। अपने रूप को दिखा करके यहाँ के जितने भी लोग हैं जनकपुर वासियों के उनके नेत्रों को निहाल करके आइए, राम का दर्शन कौन नहीं चाहेगा, राम का दर्शन कौन करना नहीं चाहेगा, सभी चाहते हैं।
राम जी गए सुंदर वेश और धनुष बाण लेकर के, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं कि देखन नगर भूप सुत आए। जनकपुरवासियों को पता लग गया कि राम आए हैं और वहां की सखियां जनकपुर की महिलाएं अपने झरोखों से निहार रही हैं राम के स्वरूप को। अरे देखो तो सही, कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर सांवला स्वरूप है, यही है राम के लायक। जनक जी तो धनुष यज्ञ कर रहे हैं लेकिन न जाने कौन राजकुमार धनुष तोड़ देगा, लेकिन सीता के लायक तो ये राम ही हैं, ये सांवले सांवले हैं, सभी देख रहे हैं। धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन ला, भगवान के स्वरूप को देखने के लिए सभी लोग आए। और जनकपुर में जितने भी बालक थे ना, वो बालक भागे चले आए और राम जी ने अपने अंक लगाया, आओ आओ, कोई अंगूठा पकड़ करके चल रहा है, कोई उंगली पकड़ के चल रहा है, कोई राम के पीछे चल रहा है तो कोई आगे चल रहा है। नगर को दिखाने के लिए वहां के बालक आए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।